कैसी है वो जन्नत जिसके ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि जो उस पे चला गया वो कामयाब हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यदखुलुल जन्नत यलअब वला यबअसु वला तबला थियाबुहु वला यफना शबाबुहु व इन फिल जन्नति मा ला अयनुन रअत वला उज़्नुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। जन्नत कैसी है? जन्नत हम लोगों ने दुनिया घूमी है, बहुत सारी जगहों पर हम घूमे हुए हैं, एक से एक घूमने की जगह, सैर और तफरीह की जगह हमने देखी है, बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर हमने देखे हैं, इतना हसीनो जमील मंजर हमने देखा है। लेकिन अल्लाह के नबी जन्नत का हुस्न जमाल बता रहे हैं, जन्नत की खूबसूरती बता रहे हैं, जन्नत को बतला रहे हैं कि जन्नत कैसी है। وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ। तुम लोगों ने दुनिया घूमी है, बहुत सारी जगहों पर तुम गए हो, लेकिन अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि जन्नत को मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि किसी आंख ने इस तरह की खूबसूरत जगह को देखा नहीं। दुनिया घूम ली है, लेकिन जिस तरह खूबसूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जन्नत को बनाया है, किसी आंख ने आज तक इतनी खूबसूरत जगह को देखा नहीं। वला उज़्नुन समियत, आंख क्या देखेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जन्नत को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया है कि किसी के कानों ने इस तरह की हसीन जगह के बारे में सुना भी नहीं। और कान क्या सुनेंगे? वला खतर अला क़ल्बि बशर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया कि किसी इंसान के दिलो दिमाग में जन्नत की खूबसूरती के ताल्लुक से गुमान भी नहीं हुआ होगा, ख्याल में भी नहीं आया होगा कि जन्नत कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि असल कामयाबी